लोग का बजे बैठ चुकी है जी। और हम लोग अभी उठ गए हैं माता जी के कन्या पूजा के लिए, प्रसाद बनाने के लिए, और चलते हैं किचन में। ब्लॉग यहीं से स्टार्ट करते हैं। जय माता दी और हैप्पी नवरात्रि। आप लोग सभी मेरे यूट्यूबर फैमिली को बहुत सारी शुभकामनाएं नवरात्रि के एंड हैप्पी दुर्गा पूजा एंड गुड मॉर्निंग। अभी चल रहे किचन में सब्जियां सब निकाल देते हैं। सो गाइस, तो जैसा कि मेरे यहाँ ना कोई भी फेस्टिवल होता है तो बिना बैंगन की सब्जी बने पारण अधूरा रहता है। तो मेरे हस्बैंड जी का पसंदीदा बैंगन आलू और सीम और मूली का सब्जी है, तो मैं हर फेस्टिवल में आप लोग देखते होंगे बनाती हूँ। कभी भी मेरे यहाँ शुभ काम होता है तो सोमवार तो उनको पारण के लिए बनाई बस, और एक छोला बना ली कन्या खिलाने के लिए। तो मैं सोची चलो आप लोग के साथ शेयर कर ही देती हूँ। और बस छोला इतना टेस्टी हुआ था, जो लोग खा रहे थे जितने लोग खाए बस तारीफ ही कर गए। सुबह तो फाइनली खाना पीना बन गया है। सुबह से लगे थे भोजन बना रहा हूँ, तो बाबू को आ गया है रेडी करने के लिए। बाबू को रेडी कर दिया। चलो बेटा यहीं पे ठीक है, मम्मी नहा लेती है। खेला? हाँ हाँ खेला, हाँ खेला। सुबह तो फाइनली जैसे तैसे रेडी हो गया, पंडित जी आ गए हैं, तो अभी चलते हैं पार्ट पे क्योंकि हवन के लिए बस टाइम नहीं मिला। पंडित जी जल्दी जल्दी आ गए तो रेडी हो गए, कुछ नहीं किए हैं, बस ऐसी साड़ी डाली है। तो चलिए पूजा पर बैठते हैं, उसके बाद आप लोग से मिलते हैं। आज तो टाइम ही बिल्कुल नहीं मिला कुछ रेडी होने का। कुमकुमान
पुष्पम समर्पयामि माल्यादीन सुगंधीन माल्यादीन वैप्रभो मयानि तानि पूजार्थम् आर्घ्यं सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृहीतां धूपमार्पयामि धूपं दर्शयामि धूपान्ति प्रत्यात्मनीयं जलं समर्पयामि दीपकुशाकि चंद्रमा मनसो जातक्षत्रो चंद्रो अजायता श्रोताद्वायुश्च प्राणश्च मुखाग्निः अजायताम् सहजं च वर्धसंयुक्तं भजनं योजयामि लज्जाया रक्षणं परं देहालङ्करणं वत्रा मता शान्ति प्रियक्षिणे वत्राङ्के प्रत्यात्मनीयं जलं समर्पयामि माल्यादीन अन्तर्मद्धानयि माल्यादीन सुगन्धीनि माल्यादीन वैप्रभो मया नीतानि पूजार्थं पुष्पाणि प्रतिपुष्प माल्याहा इदं प्रजापतये इदं नमः ओम इन्द्राय स्वाहा इदं इन्द्राय इदं नमः ओम भू स्वाहा इदं आग्नये इदं नमः ओम भुव स्वाहा इदं वायवे इदं नमः ओम स्वः स्वाहा इदं सूर्याय इदं नमः ओम गणानांता गणपतिगुं भवामहे प्रियानांता प्रियपतिगुं भवामहे निधीनांता गणपतिगुं भवामहे वसुम ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विद्यै स्वाहा 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 ओम यज्ञ भगवान लक्ष्मीनारायण भगवान की जय ओम जय अम्बे गौरी कानन कुंडल शोभित नाता प्रेम मोती गिरे गौरम करुणा अवतार बाबा को रख लेंगे तो फिर छूट जाएगा रख लीजिए बाबा आरती लिए कभी माथे पर लगाओ लीजिए छूट जाएगा परमेश्वरी मंत्रार्था सफला संतु पूर्णा संतु मनोहरता सत्तूनां बुद्धि नासत्तो मित्राणां देहस्तवहां श्रीवर्चस्य श्रीमायुस् नरे पहले लास्ट में बैठ चले हम मंत्रार्थ दाहिनी आकर बता दलो मंत्रार्थ सफला संतु पूर्णा संतु मनोरथा सत्तूनां बुद्धि नासत्तो मित्राणां देहस्तवहां श्रीवर्चस्य श्रीमायुस् सोहमानं महीयते धान्यं सो गाइस तो मैं पूजा आप लोग को आज हवन का जैसे पूजा मेरे यहाँ 9 दिन का व्रत सफल हुआ तो आज हम लोग जैसे अष्टमी को व्रत था हम लोग का तो आज पारण सबका है खाना और कन्या भी खिलाना था तो सुबह से लगे हुए थे ठीक बना था बाबा सब्जी खाना ठीक बना था जैसा कि देख रहे हैं और सुबह से ही बनाए थे उठ के हम भी बनाए थे इनको बैगन का सब्जी पसंद आता है इनको बैगन का सब्जी पसंद आता है इसलिए बनाया था अच्छा अब तुमको चाहिए अब तुमको खाना चाहिए अब तुम भी खाना खाएगा सुबह से तो मम्मी भागे दौड़ हो रहा है ना खाए अब बोला खाना टेस्ट करिए मालिक जी अनपड़ासन करिए रुक जाए गुगु को भी जय लगा दीजिए उसको भी जय दिखाओ जय बोला गुगु जय लगा के शुद्ध हो गए आ गुगु एक सुबह सुबह उठ के देखो एकदम फूला फूला पूरी बनाई है हम छोला बनाई है आलू बैगन सेम मूली का सब्जी बनाई है खीर बने दिए निशु खीर नहीं निशु लेके तानी सुन दे दीजिए खीरवा हेलो हां अनपड़ासन तोड़िए जल्दी तोड़िए आप ही के लिए इतना सुबह सुबह बना है कि आप जल्दी पालन कर लेंगे 9 बजने वाला है नमक आन जाले में मिल जाए आन जाले में छोला वाला देखिए खाक कैसा बना ठीक बना है आपका फेवरेट सब्जियां खिला देंगे हम तो अपना यहाँ पे फाइनली हम लोग सुबह से लगे हुए थे और फाइनली अब पति देव जी खा लिए पंडित जी भी खा लिया सबसे पहला बात पंडित जी खा लिए तो जल्दी में खाते नहीं पिछले बार पंडित जी पकौड़ा खाए थे इस बार खाना भी खा लिया 4:30 बजे बना भी दिए थे और हवन मन का सब कट गया था स्वाद इतना बढ़िया है ना कि हम अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं बाबा वाला रिकॉर्ड कर रहे हैं बाबा खा के गए हैं दो पुड़िया और लेनी है स्वाद इतना बढ़िया है तो दो पुड़िया और ले लिए बाबा वाला रिपीट कर रहे हैं नहीं तो जल्दी जल्दी पूरी छानिए हम लोग भी खाए जाए हम दिखा लेंगे बेटा जी हमको छोड़ेंगे तब ना कुछ होगा बीच बीच में बेटा जी को भी देखना है पूजा भी देखना है खाना भी देखना है एक बार इस बार मेरे गोद में तो लाला जी आ गए हैं तो लाला जी के हिसाब से काम हो रहा है माता रानी का दिया हुआ गुगुआ है और मम्मा का सब स्टाइल चला गया देखो कितना सिंपल में तैयार कहाँ है सब खत्म हो गया मम्मा का स्टाइल देखो कितना सिंपल तैयार हुए हैं माता जी बन गए हम अब माता जी बन गए स्टाइल सब खत्म हो गया
देखिए पुराना साड़ी पहन लिए, जल्दी जल्दी आप खाली करना खिलाना है बेटू। भैरव बाबा बनेगा ना आज, भैरव बाबा बनेगा ना बेटू, हाँ भैरव बाबा। चलो तुमको सुला देते हैं। सो गाइस, तो फाइनली यहाँ पे कन्या आ गई है और जो जो मैं खाना बनाई जैसे कि सब्जी छोला और पूरी की, ये सारे कन्या को खिलाऊंगी। उसके बाद फिर मैं अपना व्रत तोड़ूंगी। तो आज का खाना यही सब बना है। सो आइए आप लोग भी मेरे घर टेस्ट करिए और आई होप आज का ब्लॉग पसंद आएगा आप लोग को। और आप लोग भी थोड़ा बहुत मैं शेयर कर दी हूँ क्लिप सब्जी रेसिपी का, एंड साथ साथ मैं पकौड़ा वगैरह भी मिला के रखी थी कि जब भी टाइम मिलेगा तो छानूंगी। लेकिन इनको बस नाश्ता जल्दी से, पंडित जी सुबह बोले थे कि 8 बजे आएंगे और जल्दी आ गए, तो पूजा भी जल्दी हो गया तो खाना भी इनको खिला दिया, बस फ्री हो गया है, बस अब कन्या खिलाना है। तो बस इन कन्या सारे के लिए सब ये कल प्लेट वगैरह लेके सो गाइस, तो ये कन्या पूजन बहुत ही भाग्य से नसीब होता है और बहुत ही भाग्य से लोग माता रानी साक्षात आती है घर और पूजा 9 दिन का व्रत सफल होता है। तो मेरे घर आई है कन्या, तो उनको खुश करके मैं विदा करना चाह रही हूँ। तो ये सब टीका वगैरह लगा के नेल पेंट करके उसके बाद फिर कन्या पूजन करूँगी, खिलाऊँगी। तो बच्चे लोगों को आजकल क्या है, वो लोग अपना मस्ती कर रहे हैं माता जी के रूप में और काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लग रहा था। और ये सब मैं कर लेती हूँ और काफ़ी ऐसे खिलाकर सुकून सा मिलता है कि लगता है चलो पूजा सफल हो गया। इनके साथ साथ मेरा भी कहीं ना कहीं पूरा योगदान व्रत में रहता है, पूरे टाइम को ये व्रत करते हैं, सुबह शाम खिलाना पिलाना इनको, व्रत का खाना बनाना, फिर आरती करना सुबह शाम, पूरा जिम्मेदारी मेरे। तो एक घर में अलग ही रौनक, उत्साह, खुशी और कहाँ कब टाइम निकल जाता है। और सबके लिए मैं प्यारे प्यारे गिफ्ट्स दीजिए। कन्या खा लिया ना सब बोले कि कन्या सुंदर सुंदर, कन्या सुंदर सुंदर खाना पीना हो गया, अब चलते हम खा लेते हैं, तो लेट ही होगा। फाइनली कन्या वगैरह खिला दिए, अब हम भोजन कर लेते हैं, सफल हो गया सुबह से बनते हो। लेकिन एक प्लेट बचा तो लेकर आ गए। निशा पुआ मिल जाएगा तुरंत छोला, छोला पूरी, हाँ अब फिर लग रही आप देखे आज नाम पर रौनक, पूरा माता जी बनी हुए थक के सो गया है। आज सुबह से उठा हुआ है ना, जय माता दी, जय माता दी। अच्छा से बीत गया था रात्रि आपका? हाँ सब बहुत बढ़िया चल गया। कन्या जी आ गई द्वार पे, आप क्या चाहिए? कन्या जी लेता है लेकिन पढ़ा दी कन्या को तो आना ही था आशीर्वाद देने के लिए। हाँ आशीर्वाद देने के लिए इसको तो आना ही था, वही तो भाग दौड़ वाला, इसे पीछे पीछे कैमरा था। आप ही बताइए आपका नवरात्र कैसा रहा? माता रानी के आशीर्वाद से सब अच्छे से निकल गया, बहुत बढ़िया पूजा हुआ। माता रानी हम सबको आशीर्वाद दें और अगले साल फिर से हमारे घर आए। अब हम देख रहे, अब हम लग रहे हैं कि मम्मा वाला रोल में है, बिल्कुल सिंपल सारा जिंदगी चल रहा है, भागदर भागदर बस कैसे भी हो रहा है। ब्लॉग भी आज अच्छे से नहीं कर पाया, वो भी अच्छा है, काफी हेल्पफुल होता है सब्जी रेसिपी। बेटी बनाए, बेटी को खिलाया, बेटी को अच्छा लगा? कॉलीफ्लावर खिलाया, कॉलीफ्लावर के पकौड़े काफी अच्छा बनाया था। बस चल रहा है थोड़ा थोड़ा के लिए, अभी खाने के लिए गर्मा गर्म चावल छोला और पकौड़ा खाया जाएगा अभी। प्रीति ये दे दीजिए ना, रेस्ट करिए।
पकड़े भैरव बाबा आशीर्वाद दिए थे पिछले बार, आज सो के जा रहे हैं भैरव बाबा। सब हरासमेंट चाय से जा रहे फिर इसको सुबह में लंच बना के देना। मम्मी अभी रूटीन सोच गया अपन। हां लग रहा है बात कर रहा। सो फाइनली गाइस आज का नौमी का ब्लॉग आप लोग के साथ, अब सोच रही हूँ वाइंड अप करने का, हो गई है शाम और थोड़ा सा रेस्ट कर ले चले गए थे क्योंकि 5 बजे से ही बापू के कानों उठे थे, फिर खाना पीना बनाए, फिर हवन हुआ, भागदौड़ भागदौड़ पंडित जी बोलिया 9 बजे आने के लिए, आ गए वो 7:30-8 फास्ट रहता है ना, तो ये पूरा मतलब नमक के लिए हो ही जाता है किसी भी इंसान को इतना दिन लंबा व्रत रहता है तो फिर खिलाने पिलाने लगे, फिर कोई ना कोई आते रहा सुबह से प्रसाद के लिए तो देते देते बस अभी टाइम मिला है बाबू को। जस्ट हमारे शहर की नवरात्रि दुर्गा पूजा हम लोग का कुछ ऐसा निकला इस बार, सब पहले वाला दिन भी याद आता है, पहले हम लोग छोटे बच्चे में जाते थे मेला वगैरह घूमने, काफ़ी मज़ा आता था गांव में गर्मी छुट्टी में या दुर्गा पूजा छठ में जाते थे, तो सात व्रत के दिन अच्छा भी बनता है तो बस ये ऐसी रहा। और मैं ये साड़ी इसलिए ये मम्मी जो दी थी साड़ी इस बार मायके में जो गई थी पूजा में वर्षावित में वो पहन ली थी, जो मैं साड़ी सिलवाई थी आज पहनने के लिए वो ब्लाउज स्टिच हुआ ही नहीं तो बस पहन नहीं पाए, और दूभे ना वो वाली काफ़ी अच्छे से जन्म गए थे हम लोग आज, मतलब हवन हो चुका है अब इसको विसर्जन करने के लिए आज के दिन ही कब से, तो आज का दिन कुछ ऐसे ही निकला। तो आई होप आज का ब्लॉग सब लोग को पसंद आएगा, तो मेरे चैनल को एक बार कर दीजिएगा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, शुभ रात्रि, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।